पेंगोंग में चीन की नाकामयाब हिमाकत के बाद एलएसी पर वॉर के हालात बन चुके हैं। एलएसी पर भारत की बढ़ती ताकत देखकर ड्रैगन बौखला गया है, जिसके बाद बॉर्डर पर चीन ने सेना और लड़ाकू विमानों की भारी तैनाती की है। भारत के भी शूरवीरों को संदेश साफ है कि चीन की किसी भी साजिश का जवाब करारा होना चाहिए। एलएसी पर अम्मी मूवमेंट और भारत चीन तनाव से जुड़ी क्या है अपडेट्स, देख लेते हैं न्यूज टॉप 9 भारत चीन टकराव में। एलएसी पर भारत के बढ़ते तनाव से चीन बौखला गया है। चीन ने पेंगोंग लेक से सटे एयरबेस पर अपने फाइटर प्लेन तैनात किए हैं। चीन ने यहां अपने 12 फाइटर प्लेन J-20 और होटान एयरबेस पर 8 J-20 फाइटर प्लेन तैनात किए हैं। भारत से टकराव के बीच चीन भी अपनी पूरी तैयारी में लगा है। तिब्बत से सटे बॉर्डर पर चीन ने आर्मी का भारी जमावड़ा लगाया है। एलएसी पर करीब 2.25 लाख पीएलए के सैनिक तैनात किए गए हैं। तोपो टैंक और मिसाइल के साथ पीएलए का जवान एलएसी पर मौजूद। चीन से बढ़ते तनाव को लेकर गृह मंत्रालय ने चीन नेपाल और भूटान बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। इस अलर्ट का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भारतीय सेना के जनरल एमएम नरवणे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने म्यांमार जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। चीन को हर मोर्चे पर जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। एलएसी पर तनाव के बीच सेना का हैवी मूवमेंट श्रीनगर लेह हाईवे पर देखा जा रहा है। सेना का आर्टिलरी मूवमेंट लगातार एलएसी तक जा रहा है। गोला बारूद से लेकर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां सीमा पर भेजी जा रही हैं। चीनी सेना की घुसपैठ के 2 दिन बाद भारत ने बड़ा खुलासा किया है। सेना के सूत्रों के मुताबिक दक्षिणी पेंगोंग के इलाके में अब पूरी तरह से भारत का कब्जा है। 30 अगस्त की रात को चीनी सैनिकों की घुसपैठ को पूरी तरह से नाकाम कर भारतीय सेना ने ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक हमारी सेना ने पीएलए के कैमरे और सर्विलांस सिस्टम उखाड़ फेंके। चीन की हिमाकत को देखते हुए पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर सेना की तैनाती बनी रहेगी। चीन के सैनिकों की तैनाती और सैन्य युद्धाभ्यास के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में स्थिति की व्यापक समीक्षा की। लगभग 2 घंटे की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सेना किसी भी चीनी दुस्साहस से निपटने के लिए एलएसी पर आक्रामकता नहीं छोड़ेगी। चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज से रूस दौरा शुरू हो रहा है। इस दौरे में राजनाथ सिंह एससीओ के रक्षा मंत्रियों की मीटिंग में शामिल होंगे। सूत्रों की माने तो रूस में राजनाथ सिंह का चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं है। राजनाथ ने अपने ट्वीट में सिर्फ रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात का जिक्र किया है। एससीओ में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान समेत 8 देश सदस्य हैं। एलएसी पर जारी तनाव के बीच चुशूल में आज दूसरे दिन भी चीन और भारत के ब्रिगेड कमांडर लेवल की बैठक हो रही है, जिसमें 29 और 30 अगस्त की हुई घटना के बाद बढ़े तनाव को कम करने को लेकर फिर से चर्चा होगी। इससे पहले कल हुई 9 घंटे की मैराथन बैठक बेनतीजा ही रही। पेंगोंग को लेकर अमेरिका भारत के समर्थन में उतर आया है। इंटेलिजेंस इनपुट से मिली खबर के बाद अमेरिका ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय सेना ने चीन को 29-30 अगस्त की रात करारा जवाब दिया है। अमेरिका ने कहा कि पेंगोंग में चीन ने भारत को उकसाया, जिससे चीन को सबक मिला। चीन अपनी हरकतों से खुद ही अपने पैरों में गोली मार रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।